को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलू टोली मुरार वाली मियां नायक। हाँ जी मियां, दो दिन पहले हमने वीडियो डाली थी आपको, आपसे बोला था कि माइयों जवाब देना मुझे, जवाब देना मुझे, तो आपने हमको इजड़ा नहीं समझा माइयों, लश्कर ग्वालियर की माइयों से कह रही हूँ। दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई और आपसे पूछा कि माइयों में जवाब देना, हम तो आपको हिजड़े समझते थे, हम तो माइयों आपको हिजड़े समझते थे, लेकिन आपने हमको हिजड़े नहीं समझे। हमने पूछा कि हमें जवाब देना और ऐसे काम उल्टे सीधे बेबी हाजी ने नहीं करे। मैंने साधना हाजी को फोन लगाया कि मालिक भले भले नेता मियाँ के चावल रंगो, भले भले करो, हमें कोई मतलब नहीं। ये नहीं माने जो औंधे नीचे खेल न करे, जो बिल्कुल किसी की बात नहीं माने। सो मियाँ हमारे राम राव दादा के चावल रंग लिए हमारे मालिक ने, हाजी बेबी नायक लदेड़ी मछली मंडी ने। सो मियाँ अब आने पीछे तुम कोई खेल करा और अच्छा बुरा काम करा तो वही बात सोचने, वही गली वही मैदान होगा। सो सब भाइयों को सशक्त, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलूं टोली मुरार वाली नया नायक। हम दो बातें कह रही है लश्कर की माइयों से, जो लश्कर की माइयां हैं हाथ जोड़ के, माइयों ऐसे काम मत करो। हमारे ग्वालियर वाले बेबी हाजी बहुत झुक गए, आपकी बात रखी है, बिना ऐसे काम नहीं करे हैं जो आप कर रहे हो। आगे मत लगाओ, शहर में आग बुझ गई तो उसको मत चालू करो, मत सीख लगाओ कि वो आग फिर से लग जाए। ऐसे काम मत करो मालिक, लश्कर की माइयों से कह रही हूँ, ऐसा काम मत करो कि आप आग लगा रहे हो बुझाने की जगह। नहीं, अच्छी बातें नहीं है मालिक जी। वो हमारे ग्वालियर के हाजी जी झुक गए, अच्छे बुरा नहीं बोले, तुम लोग फायदा उठा रहे हो उनका, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। और साधना हाजी बॉबी नायक आपसे भी कह रही हूँ, जब शहर में आग लगी थी, जब बुझ गई तब अच्छा अच्छा हो रहा, तो आपको फोन लगाया तो आपने ऐसा क्यों करा? जब आपसे मना करी थी अपने मालकों के चावल रंगते, क्यों हमारे मालकों का नाम लिया? और मियाँ हमने तो चावल रंग लिए, आने पीछे कोई भी खेल करे तो सोच समझ के करना, थोड़ा कह रही हूँ, ज्यादा समझना सब भाइयों को करना। हमने संगीता हाजी करनाल वालों से बातचीत की थी, घर पे बुलाए थे यहीं तैयार में लदेड़ी पे, तो वो बोल रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे मंडप में तो तब बात करेंगे सबसे, जितने हिजड़े आएंगे मंडप में उनसे बात करेंगे, सब स्वप्नों से और जो चावल रंग रहे उनसे सबसे बात करके जवाब देंगे। तो वहाँ से जवाब आया, फोन आया, बातचीत हुई, तो सब लोगों ने यही कहा वहाँ से कम चार चार छः छः जनों ने यही कहा कि तुम रंगो चावल, तुम रंगो चावल, तुम क्यों नहीं रंग रही चावल, तुम रंगो चावल। तो मियाँ सारे देश परदेश की माइयों को, आस पड़ोस की माइयों को, सबको मालूम है ये बात कि मैं जब से यहाँ चेला हुई हूँ, जब से बहुत परेशानी में हूँ मैं। मेरी कहानी, मेरी हकीकत किसी से छुपी नहीं है, माइयों से सबको मालूम है मैंने कितनी परेशानी के दिन काटी। उसके बाद भी मुझसे कहा कि तुम रंगो चावल, राम राव दादा कि तुम रंगो चावल। तो मियाँ मैंने कुछ भी किया, कैसे भी करके मैंने मियाँ उनकी बात रख दी और मैंने अपने मालक के चावल रंग दिए, मियाँ राम राव दादा के चावल, बाबा के चावल मैंने रंग लिए मियाँ, जैसे भी करके रंग, ठीक है मियाँ। अब अगर इसके बाद कोई भी चावल रंगेगा राम राव मियाँ के, तो मैं पंच की लीक करूंगी मियाँ, सबको सनद रहे। सनद रहे माई जो मेरे मां लगने का, सबको सनद हो। सलाम अलैकुम, हम बोल रहे लदेड़ी मछली मंडी ग्वालियर से, हाजी बेबी ना आया। हाँ मछली का कांटा भी, हाँ मछली का कांटा।
अभी देखो माई हम तो चुपचाप अपने घर ही बैठे थे है? और इनके वीडियो आ गए, ये सौदा सामान ले आए थे आप लोग का, ठीक है, और खूब और बाजे वजे बजा रहे थे, सौदा सामान लेके आए, इनका वीडियो देखा हमने। तो हमारे घर भी बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, सारी शौकने आई हुई हैं, तो सबने बोला आप क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो मियाँ। तो फिर हमने भी मियाँ सौदा सामान मंगा के, और मियाँ चावल रंग लिए फजर में, फजर में चावल रंग लिए मियाँ, हमने सब मानियों पर सनत रखी। बहुत बहुत सलाम अलैकुम, हम बोल रहे लदेड मछली मंडी से, आज ही मेहमान आए ग्वालियर से। हमने मियाँ सटंकी दादी के और प्यारी माँ के चावल भी रंगे, नरवर के घर मकान है खरे, किसी का कुछ भी नहीं है, अरे नरवर के मकान है मेरे, दोनों चावल रंगे मियाँ उनके भी हमने, हाँ सब माइयों पर सनत रहे। हाँ जी समझ जाओ, मैं ही बोल रही हूँ, बाबरा नायक कोई और नहीं, कहाँ से, कागारोल से, कुंडी से, कल्याण दादा का हिजड़ा, समझ जाओ, जोवन जल्द रंग है हमारे तो, जोवन से मियाँ जोवन से रंग है, फजर में रंग है, सनत रहे। हमारे यहाँ से फोन करे, पटाखे करे आपको, आप फिर भी बाज नहीं आए, आपकी वीडियो दो चार देखी, मजबूर होके नहीं, फिर हल वाल रात में गए, मेरा हिजड़ा कितना परेशान, 7-8 साल से लुटा पिटा बेटा, फिर भी तुम बाज नहीं आए, तो मैं दुनिया के फोन करे, तुम्हारी दुनिया की वीडियो देखने के बाद अभी जाके हमने दुकान खुलवाई, सामान लेके आए, हमने तो चामर रंग लिए जी, और मैंने रंगवा दिए जोवन जलवे से, सभी माइयों को सना दो, और साधना आजी जी आप ऐसा खेल ना करो, आप अपनों के रंगो जी, सत के रंगो, कोई रोक नहीं लगा रहे, कोई अटैक नहीं लगा रहे, मगर इनके ना रंगो तुम, ऐसा ना करो, हमने तो अपनों के रंग लिए। मेरा तहे दिल से अद्भुत से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, राधे राधे जय श्री कृष्णा, मैं बोल रही हूँ अम्बा से राबिया नायक, हमारे लदेड़ी मच्छी मंडी से हमारे मालकों के चावल रंग गए है ना, तो सब भाइयों को और जितने हमारे पार्टी में बैठे हैं, हमारे घर वही और हमारे सौकनों को, सबको सनद रहे, और हमारे सौकनों के है ना, प्यारी दादी के और सौकनों की अम्मा दादी के भी चावल रंग गए है ना, तो सब भाइयों को सनद रहे। माइयों को अस्सलाम वालेकुम, मैं बोलू पलक नायक जड़ेरुआ से, लदेड़ी मछली मंडी का हिजड़ा, हाँ जी मियाँ, ग्वालियर वाले साधना हाजी, हमने तो चावल रंग लिए, और तुम्हारे फोन आए, करनाल वाले हाजी जी आए थे ना, तो उनसे बातचीत हो गई, तो तुम रंग लो, तुम्हारे मालक ने तो चावल रंग लिए, अब अपने मेहता मियाँ के चावल रंगना है ना, खबर आई हाँ पंच में, पंच में से भी खबर आई थी कि तुम रंग लो, तो हमने तो रंग लिए अपने मालकों के चावल, मालक ने रंग दिए, तो तुम अपने मेहता मियाँ के चावल रंगना, नहीं तो आगे पीछे सोचना, पंच की लीक करेंगे मियाँ, तो सभी भाइयों को समझ रहे थे। जो चावल रंग दिए
तो सुनो अब आगे तुमको ऐसा कोई कदम भी मत बढ़ाना, सुनो जहाँ से शहर में कोई बात ऐसी आग लगे ठीक है, तुम भी अपना मालिक के रंग अपने राजी खुशी खुशी तुम भी रंगो अपने मालिक को ठीक है, उन्हें रंग दिए तो सलाद हो माइयों को। अस्सलाम वालेकुम, हम बोल रहे हैं पोरसा से वर्षा नायक, जो हाजी जी ने बोला है वो हमको सनद है और जो हमारे घर भैया बोल रहे वो भी सनद है, जो सभी भाइयों को सनद रहे।